हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में व्यू मेनू का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रिव्यू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। तो व्यू से पता चल रहा है कि एक प्रकार का ऐसा टैब है जिसका उपयोग हम सबसे ज्यादा अपने डॉक्यूमेंट को देखने से संबंधित किया जाता है। जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे कुछ ग्रुप दिए गए हैं, व्यू ग्रुप, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, विंडो ग्रुप और मैक्रोस ग्रुप। तो सबसे जानते हैं व्यू में व्यू ग्रुप का यूज क्या है। इसमें पांच छह ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है रीड मोड, दूसरा है प्रिंट लेआउट, तीसरा है वेब लेआउट, चौथा आउटलाइन, उसके बाद से ड्रॉ। अब चलिए हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं रैंडम। हमने रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दिया और उसके बाद से देखो जो व्यू मेनू है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, देखो सिलेक्शन क्या है, प्रिंट लेआउट। मींस क्या मतलब है, जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, जो प्रिंट करते समय जो लेआउट दिखता है वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट। मीन्स अगर हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो जो हमारा मार्जिन बाय डिफॉल्ट जो सेटअप होता है व्यू से, और जो हमारा टेक्स्ट लिखा लिखा आता है जो उसका व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। मीन्स प्रिंट करेंगे तो इसी लेआउट में प्रिंट होगा, कुछ ऐसा ही प्रिंट होगा, ये हमारा प्रिंट लेआउट होता है। लेकिन हमको प्रिंट लेआउट नहीं देखना, हमको केवल पढ़ना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, रीड मोड पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा हमारा दिखने लगेगा। मीन्स अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो और नॉर्मल पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ना चाहते हो तो बस यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक किया और देखो ये ऑप्शन दिखने लगे हमको, और आसानी तरीके से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं करना है, आप क्लिक करते हैं इसको छोटा कर देंगे, यहाँ से क्लोज तो कर है लोग मुर्गा मक्खन बोली सकता रहे लोग का मैं ऑप्शन देना चाहिए कट करने का। लेआउट में आ जाते हैं हम लोग, ये तो तरीके हैं लाने का। क्लोज कैप्शन कहने का, क्लोज कैप्शन वैसे तो एस्केप बटन दबाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हम ये तरीका देख रहे थे, तो ये रीड मोड है। चलो इसको बैक आना है तो बैक आने के लिए वो सिंपल है, आप लोग क्या करना है एस्केप बटन दबा दे, जैसे रीड मोड हम लोग आ रहे हैं और यहीं पे दिया एस्केप बटन दबाएंगे बैक। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वेब लेआउट, ने बताया है वेब लेआउट। चलिए कोई बताए वेब लेआउट का मतलब होता क्या है। और इस डाटा को हम सोच रहे हैं कि अगर वेब पे किसी डालें, मीन्स इंटरनेट पे इसको डालें तो इसका लेआउट कैसा दिखेगा, यह होता है वेब लेआउट। तो नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट है, अगर हम वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, पास रखो ना, जैसे क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं कुछ सर्च करते हैं, तो जो भी लोग डाटा उस पर अपलोड करके रखे रहते हैं तो उसका लेआउट अगर देखना चाहते हैं, अगर डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं ऐसा, अगर इसको इंटरनेट पर लोड कर दें, इस इंटरनेट पे डाल दें इसको, तो उसका लेआउट कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे क्या, वेब लेआउट। उसके बाद आते हैं प्रिंट लेआउट, नॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आउटलाइन, तो अगर आउटलाइन पे हम क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब फायदा क्या होगा, अब हम सोच रहे हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैराग्राफ वाइज सिलेक्शन कर लें या कुछ एडिटिंग कर लें, तो मैं ऐसे देख लिए, देखो सबके किनारे किनारे आउटलाइन लग गया है यहाँ से। अगर हम एक बार में एक आउटलाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। राजन कुशवाहा कौन है जी, क्यों ड्राइंग कर रहे हो जी, अभी हटा देंगे तुम, रुक जाओ, रिमूव कर दें। ड्राइंग हटाना पड़ेगा, ड्राइंग जो बनाया है इसको हम भी हटा देंगे। अरे
ऑप्शन दिया। तो यह तरीके आउटलाइन में देखा जा सकता है, ठीक है। क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हैं इसको ऐसे। तो देखो सिलेक्शन हमारा, देखो बाय डिफॉल्ट जो हमने सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन इस समय भी हमारा दिखाई देगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है ड्रॉप। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा यह है डॉक्यूमेंट ड्रॉप के रूप में कुछ ऐसा दिखाई देता है, नॉर्मल पोजिशन कुछ ऐसा। तो व्यू मतलब यही होता है, डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे देखना चाहते हो, ठीक है। रीड रीड करना, रीड कर सकते हो, प्रिंट आउट बाय डिफॉल्ट आता है कैसा है, प्रिंट लेआउट, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो यही दिखता है हमारा प्रिंट लेआउट में। विंडो के लेआउट है, आप लोग करके देखिएगा। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है शो एंड हाइड ग्रुप। अब देखो शो और हाइड ग्रुप में तीन ऑप्शन है, पहला रूलर, दूसरा ग्रिड लाइन, तीसरा नेविगेशन पेन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूलर के सहारे हम इंडेंट को सेट करते हैं, तो जब हमको रिक्वायरमेंट होगा रूलर तो लाएंगे, आज जब नहीं चाहिए तो हटा देंगे। जैसे हमको चाहिए प्रेजेंट में इंडेंट सेट करना है तो रूलर ले देंगे। अब इसका यूज क्या है, इंडेंट को हम अपने रिक्वायरमेंट के साथ सेट करते हैं। बोलिए क्या हमारा रूलर है, इसमें ज्यादा चर्चा करना नहीं, आप लोग पढ़े हुए। नेक्स्ट अगला ग्रिड लाइन, मीन्स ग्रिड लाइन का मतलब हम सोच रहे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं सब में लाइनिंग आ जाए, कौन सा रो और कॉलम का, जैसे ड्रॉप के रूप में हमको चेक करना देखना। तो ऐसे क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन पे, ड्रॉप में डाटा दिखने लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, हटाएंगे नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर है ना, जैसे नॉर्मल व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, हम सोच रहे सारा लाइनिंग आ जाए, इसके लिए ग्रिड लाइन पे क्लिक करना, ये ग्राफिक के रूप में दिखने लगे। ओके, और नेक्स्ट अगला ऐसा ऑप्शन है नेविगेशन पेन। इसका मतलब क्या समझिएगा, नेविगेशन पेन के सहारे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। और जैसे हम वाले पहले पेज पे तब नीचे जाते हैं, दूसरे पेज पे तो तीसरे पेज पे, हम चाहेंगे तो नेविगेशन पेज ओपन कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेडिंग पे या पेजेस पे जाना जा सकते हैं। आपको सर कैसे, चलो बता रहा हूं इसको। हम आते इक्वल करते हैं और ले लेते हैं रैंक, ब्रैकेट को ओपन और कर देते 50। बहुत सारे पेजेज हैं, एक तो तरीका मान लो पेज पे जाना है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं, और एक तरीका क्या कर लेंगे हम लोग, नेविगेशन पेन ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब पेज पे क्लिक करेंगे, देखो जितने पेज हैं सब दिखेंगे फिर आपको। अब हमको जाना किस पे, चौथे पेज पे, बस क्लिक चौथे पे आ जाएंगे। किस पे जाना है, पहले पे, पहले पे आ जाएंगे। किस पे जाना है, पांचवे पे, तो पांचवे पे आ जाएंगे। अगर कोई हेडिंग दिया होता तो हेडिंग भी चले जाते। चलो हम एक हेडिंग भी लगा देते हैं, यहां सेलेक्ट किया इसको हम लिख ही देते हैं। और सेलेक्ट किया हमने, होम पे गए, हेडिंग वन देखिए आ गया यहाँ पे। चलिए रुक जाइए, देखो जैसे हमने हेडिंग लगाया क्या हुआ, हेडिंग यहाँ पे शो होने लगा। चलो एक और हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे, क्लिक और इंसर्ट सेलेक्ट हेडिंग टू, हेडिंग टू। तो पेज पे जाना है, पेज पे आ जाएंगे, हेडिंग पे आना है तो नेविगेशन टू मेक, ठीक है। तो ये हमारे तरीके हैं, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाया जा रहा है ऐसे करके, हो जाएगा ना। अगर हम इसमें कोई कमेंट वमेंट इंसर्ट कराए रहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सबसे इसका दोनों का इस्तेमाल करते हैं। चलो अभी हम कमेंट भी इंसर्ट करा के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और हम तो बताए थे इसके बारे में कैसे करेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पे यहां से शो करा के दिखाया जा सकता है, नहीं चाहिए तो इसको बंद कर देंगे। तो हमारा अगला ऑप्शन था क्या, नेविगेशन पेन। ये क्लियर है तीनों ऑप्शन, और रूलर को शो ऐड कर सकते हैं, ग्रिड लाइन लगा सकते हैं, नेविगेशन पेन से हम लोग ठीक है हेडिंग पेजेज और रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा जूम ग्रुप, मतलब पेज को कितना आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो। तो हमने बताया था शॉर्टकट भी बताया था क्या, अगर कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करते हैं तो जूम इन होता जाता है,
और क्या करेंगे, डाउन करेंगे स्क्रॉल तो जूम आउट होता जाता है। जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल आउट, तो जूम ज्यादा हो जाता है, और कम करना है तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन। ये तरीका हमने बताया था। और सपोज हम सोच रहे जूम अपने हिसाब से करें तो यहाँ पे प्लस पे कर देंगे तो भी जूम होगा, जूम आउट करना है तो माइनस पे क्लिक करेंगे तो भी जूम होगा। और यही काम आप यहां से भी करना चाहते हो यहां से भी कर सकते हो। तो हम क्लिक करते हैं जूम पे। अब देखो कहा जाता है कितना परसेंट जूम करना है, 201, ठीक है, जितना करना बस क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, जूम हो जाएगा। क्लिक 200 कर देते हैं, क्लियर है ना। ये सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, ओके कर देंगे, टेक्स्ट के विड्थ के हिसाब से हो जाएगा। मतलब जैसे हमारा डाटा बना रहेगा उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट 100 करते हैं, ओके करते हैं। अगला देखो 100%। तो अगर मान लो यहां से बढ़ा दिए और अब सोच रहे एक बार में 100% हो जाए तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देंगे। और अगला वन पेज, अगर ये डॉक्यूमेंट को हमको एक पेज में देखना है तो वन पेज पे क्लिक करके और ऐसे छोटा छोटा ऐसे दिखाई देगा। अगर मल्टीपल पेज में देखना है तो मल्टीपल पेज कर देंगे। देखो क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद नहीं है। बोले देखने से संबंधित है कि डॉक्यूमेंट को आप कैसे देख रहे हो। तो एक पेज में देखना हो तो ऐसे क्लिक करिए, अगर हम चाहते हैं 100% जैसा जूम रहता हो ऐसे चाहता हूं तो ऐसे क्लिक कर दो, आपके ऊपर है। डॉक्यूमेंट को शो करा के देखना कैसे चाहते हो। हो जाएगा ना जी। देखिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है विंडो ग्रुप में न्यू विंडो। मीन्स न्यू विंडो का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब एक विंडो का कॉपी कई सारे हमको क्रिएट करना हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, सेम एक और ऐसा ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए टास्क बार में जब आते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ हमारा, हम सोच रहे एक और ऐसे खोल ले तो बस न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे एक और विंडो खुल जाएगा। अब जैसे देखो टास्क बार में आते थे तो दो विंडो दिखेगा, पहला दूसरा। चलो हम कंट्रोल यन दबाते हैं और कंट्रोल यन दबाने के बाद से हम आते हैं और व्यू पे और न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। तो देखो दो ब्लैंक हमारे खुले रहेंगे, दो लिखा हुआ दो ब्लैंक। अब चलो हम सोच रहे हैं कि पहले पे काम करे दूसरे पे भी हो तो कैसे होगा। तो मैं व्यू पे आऊंगा और अरेंज ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो देखो चारों दिखने लगे, 1, 2, 3, 4 जितने विंडो खुले सब दिखने लगे। अब नहीं, जिससे विंडो ओपन की उसे भी दिखाएगा। जैसे न्यू से न्यू खोला है तो न्यू वाले पे काम करेंगे तो न्यू वाले भी दिखाएगा, और जो लिखा है उस पे काम करेंगे तो लिखे वाले भी दिखाएगा। मतलब जिससे खोलेंगे जितना उसमें से दिखाई देगा। तो चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लिखें कंप्यूटर। देखो यहां भी आया लेकिन हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, हमने इंटर बटन दबाया और ऊपर आ जाते हैं और लिख देते हैं क्या, मेमोरी। मतलब जिस विंडो से जिस विंडो को खोलोगे उसका मल्टीपल विंडो खुलता जाएगा, जितना बार दबाओगे उतना बार खुलेगा। कैसे, चलो मैं किसी को बड़ा कर लेते हैं। देखो दो खुला हुआ इसका ना, हम और खोल लेते हैं, न्यू व्यू पे क्लिक करके न्यू, फिर से व्यू पे क्लिक कर लिया, कितना है, बहुत सारा खुल गया, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है ना। काम करेंगे एक साथ सब पे काम होगा, फॉर्मेटिंग भी करेंगे तो भी सब पे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसमें भी किया ना सब पे लग जाएगा, इसपे भी है, इसपे भी है, इसपे भी है, सेम। और एक साथ अरेंज करके देखना तो अरेंज आल लो, ठीक है ना, ऐसे अरेंज करके देखा जा सकता है इसको। और क्लिक करिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है स्प्लिट। इसको समझाने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं, अल्ट टैब दबाते हैं, लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स होगा हम कर देते हैं इक्वल रैंक। ध्यान देना, अब यहाँ पे जैसे व्यू में आते हैं जो ये ऑप्शन स्प्लिट का मतलब क्या है, हम सोच रहे हैं कि अपने पेज को तोड़ दें। अब तोड़ने का मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे मैं ज्यादा ले लेता हूं और इंटर बटन दबा दिया, देखो लगभग 5 पेज का हमारे पास डाटा आ गया और मैं सोच रहा हूं
कि जब भी मुझे डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है तो करते क्या है, नीचे धीरे धीरे हमको जाना पड़ता है बार बार, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा इंटरफेस आता है, हम सोच रहे यहीं से विंडो को तोड़ दे और यहीं से सारा का सारा डॉक्यूमेंट देख ले, कहां से इतने हिस्से से, तो बस क्या करेंगे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे और जहां से तोड़ना मैंने तोड़ दिया इसको, देखो बस यहीं से पूरा डॉक्यूमेंट देखा जा सकता, नीचे बार बार नहीं है, और हटाना है तो रिमूव। अब कहां से तोड़ना, हम यहां से तोड़ना चाहते हैं, यहीं से ऊपर आते हैं और यहां से क्लिक स्प्लिट, देखो तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं तोड़ के और एक एक करके इतना ही इंटरफेस हम लोग देख लेते हैं, बार बार हमको नीचे नहीं जाना पड़ता, नीचे तो यहां से जाते हैं लेकिन यहीं पे देख लेते हैं, ना कि बार बार लोग पूरे पेज पे मूव करना होता है, उस कंडीशन में स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना है तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे, देखो जहां पे क्लिक कर दोगे स्प्लिट कर दोगे वहीं से टूट जाएगा विंडो, देखो कच ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यह मैटर और ये मैटर दोनों अलग हुआ, नो, यहाँ पे क्लिक करो देखो नीचे आते वही मैटर आएगा, आओ यहाँ पे क्लिक करो ऊपर आएंगे तो सारे वही मैटर आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि विंडो टूट जाने का मतलब मैटर अलग अलग हो जाएंगे, बस छोटा करके विंडो को देख रहे हैं और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, बस हम क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन, यह ऑप्शन कब अप्लाई होगा, जब एक से ज्यादा विंडो खुला रहेगा, क्योंकि नाम से पता चलता है व्यू साइड बाई साइड, मीन्स हम सोच रहे जितने विंडो खुले हुए हैं एक एक करके साइड बाई साइड दिखने लगे, तो हम क्लिक करते हैं व्यू साइड बाई साइड, अब कहता किसको साइड में करके देखना चाहते हो, दूसरे वाले को, आ गया, फिर से व्यू पे आते हैं और क्लिक कर दे, क्या बड़ा करते इसको, व्यू साइड साइड बाई साइड, किसको 2.5 को, अब देखो हम एक को चलाते हैं तो दोनों चलता है, समझ रहा ना, जुड़वा जैसे काम करता है ना, उसके बाद हम सोच रहे नहीं एक को ब्लॉक कर दे, रोक दे, यहां से देखो यही पे ऑप्शन है स्क्रॉलिंग, क्लिक कर देंगे, अब देखो पहले को चलाएंगे तो पहला चलेगा, दूसरे को चलाएंगे दूसरा चलेगा, आ जाने दो, ठीक रहा जी, लेकिन हम दोनों को चलाने एक साथ तो स्क्रॉलिंग को ऑन कर देंगे, अब देखिए क्लिक, एक साथ दोनों विंडो को मूव कराकर देखा जा सकता, अगर नहीं देखना तो रीसेट कर देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगला है स्विच विंडो, तो आप बताइए स्विच देखे हो ना, स्विच लगा है दिख रहा आपको, ये स्विच क्या करता है जी, हाँ जो रिक्वायरमेंट हो तो उसको ऑन करते हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं होता उसको ऑफ करते हैं, तो सेम वहां पे भी स्विच विंडो, स्विच विंडो कहता है कि आपका जितना विंडो खुला रहेगा आप उस स्विच विंडो के सहारे एक विंडो को बंद करके दूसरे में विंडो को बंद करके तीसरे में जा सकते हैं, अब ऐसा नहीं हमेशा के लिए बंद करके जा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन देते हैं जंप करके जा सकते हैं, जैसे क्लिक, देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट खुले हुए हमारे, अब बस हम सोच रहे हैं पहले पे चले आए तो पहले पे आ जाएंगे, क्लिक करते हैं सबसे लास्ट में चले जाए लास्ट वाले पे आ जाएंगे, फिर से क्लिक और तीसरे पे चले जाए तो तीसरे पे, ये नया खोल के दिखा दे रहे आपको, समझ में नहीं आएगा तो सर क्या हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, कंट्रोल ये दबा देते हैं, देखो एक ब्लैंक पेज है ना, व्यू पे आते हैं स्विच पे आते हैं, देखो आठवां डॉक्यूमेंट क्या था ब्लैंक, तो हम पहले पे आते हैं तो लिखा लिखा दिखेगा हमारा, जूम नहीं हुआ है हमारा सही से, पहले पे सिलेक्शन नहीं हुआ, डाटा हमारा कम हो गया, डाटा था कि नहीं था पहले, चलो इसको हम इसको पहले क्लोज कर लें, तो सबको बहुत सारा खोल लिया हमने, स्विच हो गया कहीं से, चलो यहाँ पे बिन वर्ड दबाते हैं और इसको फिर करते हैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते, एक और क्लिक करते दो तीन, ठीक है ना, और इसमें हम कुछ लिख देते इक्वल रैंक, और एक फिर से नया ले लेते हैं हम लोग,
इसी का। अब हम क्लिक करते व्यू पे, स्विच पे, इतने सारे खुले हैं, पहले पे आते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन नहीं हो रहा, क्यों जी? नहीं करके देख सकते हैं, बस स्विच विंडो पे जाएंगे, पहले पे, चौथे पे और तीसरे पे। मीन्स हमेशा के लिए क्लोज नहीं होता है, बस कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, जब तक हम लोग उस पर काम ना करना चाहे, फिर से क्लिक करेंगे फिर से ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलो लास्ट ऑप्शन लिख लो, शॉर्टकट भी दिया है, व्यू मैक्रोज। नहीं सबका देखो, व्यू मैक्रोज जो ऑप्शन है, मैक्रोज, इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में हम लोग उस समय करते हैं जब किसी स्टेप को हमको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो बार बार हमको अप्लाई करना होता है, और बार बार अप्लाई करने के वजह से हम लोग बार बार टाइप करते हैं उसको, हम सोच रहे उसको एक बार रिकॉर्ड करके अपने डिक्शनरी में रख दे, और जब रिक्वायरमेंट हो बस शॉर्टकट की दबाए तुरंत आ जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैक्रोज ऑप्शन का। चलिए मैक्रोज रिकॉर्ड करना हम बता रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले करोगे क्या, आपको क्लिक करना होगा इस पे, और यहीं पे ऑप्शन आता है रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे ऑप्शन आता है कीबोर्ड, मतलब आपको शॉर्टकट की देना है कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे देखो पूछा जाता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो हमने यहां क्लिक किया। हाँ ध्यान देना, फंक्शन की काम करता है या फोन से लेके F12 तक, तो हम दबा देते हैं क्या F3, और यहीं पे ऑप्शन है साइन, हमें साइन कर देंगे, और कर देंगे यहां से क्लोज। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब हम जो भी ऐसा नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड होगा, नो जो लिखेंगे वो रिकॉर्ड होगा, जब जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो बार बार मैं समझाता हूँ, लिखता हूँ गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइप कर दिया हमने। अब देखो क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट है, रिकॉर्ड हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ इसका इस्तेमाल फिर से हमको करना है, ठीक है ना, इसके लिए करेंगे क्या, बस हम व्यू पे आएंगे, क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब स्टॉप हो गया। अब मान लो इनकेस फ्यूचर में कभी हमको लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बस आएंगे तो हमको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, बस हम दबाएंगे क्या F3, या यहां से भी रन करा सकते हैं व्यू मैक्रोज, मैक्रोज रन आया। चलो फिर से चाहिए तो हम दबाएंगे क्या F3, चलो कंट्रोल एन पे आ जाते हैं और दबाते हैं F3। मैं पेज पे भी काम करें कहीं पे भी, जब तक एपिसोड पे काम करो तब, जी तो ऐसे किया सकता है, आपके ऊपर है शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है या व्यू पे जाइए और मैक्रो पे आइए और कर दीजिए रन, रन करते ही रन हो जाएगा, ठीक है ना जी। फिर से हाँ बंद करके खोलो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट सेव, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद किया, नहीं जितना लिखना उतना लिखो, रिकॉर्ड हो जाएगा सारा। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद करेंगे क्या, विंडो प्लस आर बिन वर्ड। अब हमको मान लो मेन हेडिंग लिखना है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या करेंगे F3, लेकिन याद रहे अब ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे F3 सेट किए तो दूसरे पीसी पे दबाएंगे F3 तो काम करेगा, मतलब इस पीसी पे जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक काम करेगा, लेकिन अगर मान लो उसको डिलीट कर दिए या सिस्टम फॉरवर्ड हो गया तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ध्यान देना जी। जी हाँ एक बार वो भी चेक कर लेते हैं इसको, इसको मैं कभी चेक नहीं किया, देख लेते हैं अभी।